साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व, आजादी का ये अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनीषियों के आध्यात्म का प्रकाश भी हो, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो। यह आयोजन हमारे इन 75 वर्षों की उपलब्धियों की दुनिया के सामने रखने का और अगले 25 वर्षों के लिए हमें एक रूपरेखा, एक संकल्प भी देखा, क्योंकि 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब हम कहां होंगे, दुनिया में हमारा स्थान क्या होगा, भारत को हम कहां तक ले जाएंगे। आजादी के बीते हुए 75 साल और आजादी का जंग, यह हमें प्रेरणा देगा, एक पीठिका तैयार करेगा और उस पीठिका के आधार पर ये 75 साल का पर्व भारत की आजादी की शताब्दी के लिए उस दिशा में मजबूती से जाने के लिए एक हमारे लिए दिशा दर्शक हो, प्रेरक हो और पुरुषार्थ की भावना जगाने वाला हो। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, उत्सवेन विना यस्मात् स्थापनम निष्फलम भवेत्, अर्थात कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता। एक संकल्प जब उत्सव की शक्ल लेता है तो उसमें लाखों करोड़ों के संकल्प जुड़ जाते हैं, लाखों करोड़ों की ऊर्जा जुड़ जाती है। इसी भावना के साथ हमें 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर, उन्हें साथ जोड़कर ये आजादी का अमृत महोत्सव, ये 75 साल का ये पर्व हमें मनाना है। जन भागीदारी इस आयोजन की, इस उत्सव की मूल भावना है। और जब हम जन भागीदारी की बात करते हैं तो इसमें 130 करोड़ देशवासियों की भावनाएं भी हैं, उनके विचार और सुझाव भी है और उनके सपने भी हैं।